आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर द्वारा जारी त्रिस्तरीय जनसुनवाई के निर्देशों के मद्देनजर प्रथम गुरुवार को संपूर्ण जिले में ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इसके तहत गुरुवार को बाड़मेर में भी जिला कलेक्टर लोकबंधु के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्या सुनकर कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर द्वारा जारी त्रिस्तरीय जनसुनवाई के निर्देशों के मद्देनजर प्रथम गुरुवार को संपूर्ण जिले में ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इसके तहत गुरुवार को बाड़मेर में भी जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर समस्याओं को मौके पर ही समाधान किया। बाड़मेर ग्रामीण, बाड़मेर आगोर, बाड़मेर मगरा और बाड़मेर कादान की ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन गुरुवार को जैसलमेर रोड स्थित ग्राम पंचायत भवन में किया गया। जनसुनवाई के दौरान नायब तहसीलदार लक्ष्मी चौधरी ने आमजन की फरियाद सुनी। जनसुनवाई में बाड़मेर ग्रामीण, बाड़मेर आगोर, बाड़मेर मगरा और बाड़मेर कादान ग्राम पंचायतों के दर्जनों लोग पहुँचे और अपनी समस्याओं से नायब तहसीलदार को अवगत करवाया। इस दौरान नायब तहसीलदार ने फरियादियों की पूरी बात सुनी और समाधान को लेकर संबंधित विभाग को सूचित करने और जल्द ही जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। गुरुवार को आयोजित हुई ग्राम स्तरीय जनसुनवाई के दौरान बाड़मेर आगोर सरपंच नीलम राठौड़, बाड़मेर ग्रामीण सरपंच कमला प्रजापत, बाड़मेर मगरा सरपंच जोगेंद्र, ग्राम विकास अधिकारी भंवरलाल सोनी, नरपत सिंह, पटवारी नंदलाल, बाबूलाल समेत बड़ी संख्या में अधिकारी, ग्रामीण और फरियादी मौजूद रहे।